इस जन्म में सारी तपस्या और साधना के लिए एक अलग सा आकर्षण था अंदर। छोटेपन से परिवार में ऐसा माहौल नहीं था भक्ति का, लेकिन भक्ति के संस्कार आरंभ से ही, जैसे हम नवरात्रि के व्रत भी जब रखते थे तो 2 टाइम पानी पीना 10 दिन में, दिन में 2 बार केवल नींबू पानी पीना और बकायदा देवी की स्थापना करना, 10 दिन पूरे नियम से पूजा पाठ करना, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम गेरुए वस्त्र पहनकर घर में। वैद्यनाथ धाम आपके यहाँ पे मैं छोटेपन में ही 18-19 साल की उम्र में ही कांवर लेके और 3 दिन केवल एक तड़प जैसे भगवान को पाने की और उससे प्यार। लेकिन जब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आया, मैं रोज काली को रक्त का तिलक देता था, 4 फीट की काली, हमारे एक बंगाली मित्र हुआ करते थे उनके घर में, तो रोज काली को रक्त का तिलक, भक्ति बहुत, हफ्ते में 3 दिन तो उपवास होते थे, चाहे सोमवार हो गया, कभी हनुमान जी के लिए मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया, तो पूजा बहुत, तपस्या बहुत, व्रत उपवास बहुत, लेकिन अंदर से ये जरूर ये था कि जो अहंकार है, जो ईगो है, मैं ये महसूस करता था कि घर में यदि मैं पूजा कर रहा हूँ, किसी से जरा सा टच हो गया तो मैं उग्र हो जाता था कि तुमने मुझे अशुद्ध कर दिया, मुझे टच कर दिया। कहने का मतलब है कि भक्ति बाह्य सब कुछ किया, लेकिन अंदर में जो आत्मा का अहंकार है वो जैसे कि दूर नहीं हुआ। जब मैं एक ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाने वाले परिवार के साथ बचपन से ही संस्था के बारे में पढ़ा था कि इसमें आत्मा का ज्ञान दिया जाता है, परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, और जो देवी देवताओं, कहा जाता है कि जो देवी देवता हैं वास्तव में वो हम ही देवी देवता थे, तो मुझे लगता था कि हम देवी देवता थे, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है ऐसा मुझे लगता था। इस संस्था के द्वारा जो कहा जाता है कि हम ही ऐसे थे, नर को ऐसी करनी करनी चाहिए जो नारायण बने और नारी को ऐसी करनी करनी चाहिए जो लक्ष्मी बने, तो मुझे लगा कि मनुष्य एक देवी देवताओं के समान वैसा बनना तो थोड़ा सा मुझे लगता था। तो मैं गया था संस्था में केवल डिबेट करने के लिए, मुझे था कि आज मैं वहाँ, क्योंकि गीता रामायण भक्ति के बहुत नशे में की माला रहती थी, तिलक रहता था और रुद्राक्ष माला, ऐसे कि जहाँ जो मंदिर मिला और तुरंत माला निकाली, अपना जाप शुरू किया, ऐसे संस्कार बचपन से। तो मैं केवल डिबेट करने के लिए मैं सोच के गया था कि आज मैं वहाँ डिबेट करूँगा, जो मिलेगा ऐसे मीन्स। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो कोई भाई किसी को कोर्स करा रहा था, तो वो पहले तो मैंने उनसे पूछा भाई जी से कि भाई जी आपको कितने साल हो गए यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो 7-8 साल हो गए ज्ञान में। अच्छा अच्छा, तो मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं, बोले मैं इनको आत्मा का कोर्स करा रहा हूँ, आज पहले दिन का इनका पहला दिन है आज आश्रम में, तो मैं इनको पहले दिन का कोर्स करा रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई जी आप आत्मा बन गए, आप 8 साल में अब आत्माभिमानी हो गए, आत्मा आप भी बन गए। बोले नहीं मैं आत्मा तो नहीं बना। तो मैंने कहा आप भी तो पहले दिन में ही हो, 8 साल आपको कहाँ हो गए, अगर आप भी अभी तक आत्मा नहीं बन पाए, उस आत्म स्वरूप में टिक नहीं पाए, तो आप भी तो पहले दिन, ऐसा माना मेरा पहला दिन इस तरह से था संस्था में, तो वो भी ऐसे देखने लगा। मैंने कहा तो हम सभी पहले दिन में हैं, फिर जब मैं ही आत्मा नहीं बन गया, मैं बन गया क्या आत्मा, अभी मैं भी देहभान में हूँ, शरीर में हूँ, देह को देख रहा हूँ, मैं भी तो आत्मा नहीं बना, तो ऐसे माना। तो फिर जब मुझे मैंने कहा देखो मुझे ज्ञान तो कुछ मत सुनाओ, लेकिन मैं आपके योग कक्ष में, बाबा के कमरे में मैं बैठना चाहता हूँ। तो मैं बाबा के कमरे में जब गया बैठा, थोड़ी देर में ही शिव बाबा महाज्योति, मैं शिव बाबा को देख रहा था, ब्रह्मा बाबा को नहीं, शिव बाबा को देख रहा था कि हम, क्योंकि शिव से तो प्यार था ही था और थोड़ा पहला दिन था, तो बैठते ही मैं 1.25 घंटे वहां से उठा नहीं। मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया कि कैसे मैं आत्मा, एक सितारा, एक प्रकाश, जैसे मैं निकलकर
अपने ही इस देह से ऊपर मैं अपने शरीर को देख रहा हूं, मैं आत्मा देह से न्यारी, शरीर से अलग एक प्रकाश मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं कौन हूं और मैं अपने शरीर को जैसे देख रहा हूं। वो अनुभूति ऐसी निराली थी, देह से न्यारेपन की, अशरीरीपन की, पौन घंटे जैसे मुझे आभास ही नहीं हुआ पौन घंटे कैसे हो गया। और उन लोगों को आश्रम रात का समय था, मैं गया इतना था तो उन्होंने सोचा क्या हो गया इसको, तो उन्होंने आके मुझे कहा भाई साहब, मैंने कहा देखो मैं यहाँ रोज आना चाहता हूँ लेकिन मुझे आप कुछ और नहीं सुनाना, मुझे यहाँ बाबा के कमरे में आके बैठना है। तो वो पहले दिन की अनुभूति मेरी, आज 25 साल हो गए, उस आत्म अनुभूति ने, देह से न्यारेपन की अनुभूति ने, मेरे सत्य स्वरूप की अनुभूति ने, जैसे वो गहन शांति का, गहन शक्ति का, कि सारी शांति सारी शक्ति तो जैसे मेरे भीतर है, कहीं मुझे कुछ पाना नहीं है, सब कुछ वो संपन्नता वो भंडार मेरे अंदर है। मैं कौन की पहली बाबा ने, ये जैसे कि भक्ति का फल भगवान ने दिया, मैं ये अनुभव करता हूँ आज भी कि जो उसको पाने की भक्ति थी, व्रत थे, उपवास थे, यात्राएं थी, उस भक्ति का फल देने के लिए जैसे कि भगवान आया हुआ है। फिर मैं